नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड, क्या आप भी अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाना चाहते हैं? क्या है दोस्तों, किसी किसी के पास क्या होता है, कंप्यूटर नहीं होता है लेकिन वो कंप्यूटर चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में ही इस कंप्यूटर को चला सकते हैं। आप कोई भी फंक्शन है, चाहे माई कंप्यूटर, देखिए दोस्तों इसमें सारा कुछ, देखिए मैं चला के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आल की आती है, इसमें स्टार्ट प्रोग्राम, ये देखिए सभी कुछ यहाँ पे आप चला सकते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे कंप्यूटर की तरह शो करेगा सब कुछ, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र, कैमरा, हर चीज़ इसमें आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसमें टाइम है पूरा, यहाँ पे कंप्यूटर की तरह आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप शट डाउन, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, यूजर आल प्रोग्राम, इस तरीके से कंट्रोल पैनल, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सारे ऐप आप यूज कर सकते हैं पूरा कंप्यूटर की तरह। चाहे आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को ही कंप्यूटर बना सकते हैं। दोस्तों क्या है इसमें, एक आप OTG लगा के इसमें एक माउस लगा के चला के माउस से भी चला सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इसे टच चला सकते हैं, इससे अपने पूरा कंप्यूटर आपका दिखाई देगा, विंडोज 7 इस तरीके से फंक्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों ये कैसे हुआ आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। इस तरीके से आपको दोस्तों क्या करेंगे, देखिए क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाने के लिए क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और इसमें लिखेंगे आप अनफाइट। देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में लिखना है इस तरीके से अनफाइट। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको क्या है अनफाइट लिखना है। जैसे यहाँ पे अनफाइट लिखेंगे तो आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहली वेबसाइट आपको ऊपर दिखाई देगी, ऊपर यहाँ पे चेक करिएगा अनफाइट, यहाँ पे पहली जो वेबसाइट है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे पहली वेबसाइट को, तो यहाँ पर एक देखिए सर्च का आइकॉन दिखाई देता होगा आपको, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे विंडोज़। इस तरीके से विंडोज़ करेंगे तो आप ये देखिए पहली यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, विंडोज 7 शिमू ऐप। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरीके से क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये कोई ऐड आएगा, यहाँ पे देखिए कट का निशान आ रहा है, यहाँ पे कट निशान हटा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे ही नीचे जाएंगे आप विंडोज 7 का ये देखिए, तो यहाँ पे ये वाला नहीं करना है आपको, इससे और नीचे स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाएंगे, विंडोज 7 शिमू ऐप रिव्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पे ये वाला ऐप, यहाँ पे ये देखिए हाउ टू डाउनलोड विंडोज 7 शिमू ऐप। अभी यहाँ पे क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी ऐप यहाँ पे ऊपर वाला डाउनलोड नहीं करना है, यह स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये वाला ऐप आपको यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये इस पर खुल जाएगा। जैसे मेरा डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ना करें, गूगल प्ले से आप सोचें कि गूगल प्ले में खुल गया, तो जैसे मैंने बताया वहीं से करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, अपना आपको दिखाया था प्ले करके, और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से प्ले कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद। इस तरीके से जैसे प्ले होगा तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, और लोडिंग होने के बाद क्या है दोस्तों, आपका पूरा मोबाइल क्या है ये कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए मेरा हो रहा है, और देखिए स्टार्ट विंडो हो रहा है, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं विंडोज 7, इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर स्टार्ट विंडो होकर खुल रहा है। देखिए अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिएगा और क्या है ये पूरा आपका कंप्यूटर की तरह स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जो मर्जी चाहें अपना आप यहाँ पे यहाँ से सब कुछ यहाँ से चला सकते हैं कंप्यूटर की तरह। आप कोई भी इस तरह से अलग से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और कंप्यूटर तरह टाइपिंग वगैरह सब इसमें कीबोर्ड लगा के माउस लगा के यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे यहाँ पर माई कंप्यूटर जैसे खोलेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर कंप्यूटर आपका खुल जाएगा इस तरीके से, और पूरा देखिए यहाँ पर करेंगे बड़ा कर देंगे और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे मर्जी आप वैसे चलाइएगा, इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फुल में हो गया है, ये देखिए पूरा आप यहाँ पे कंप्यूटर की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो दोस्तों जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या दोस्तों, मैं इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ और जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।